अस्सलामुअलैकुम, कुकिंग विद नौरीन में आप सबको वेलकम है। आज मैं बना रही हूँ चिकन पालक। चिकन पालक बनाने के लिए मैंने ये जो दो हंडिया के चम्मच होते हैं ऑयल लिया है, आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज काट के रखी हुई थी, 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें काट के रखी हुई थी। अभी प्याज को और हरी मिर्चों को मैंने ऑयल में डाल दिया है और प्याज थोड़ी गुलाबी हो जाएगी तब मैं इसमें चिकन और मसाले ऐड करूँगी। चिकन पालक जो है बहुत मज़े का बनता है ये, और पालक वैसे भी खून बनाने में बहुत मदद करता है। तो ये है कि पालक का इस्तेमाल ज़रूर आप लोग हफ्ते में एक बार ज़रूर किया कीजिए। इसको आप गोश्त में भी बना सकते हैं, पालक कीमा भी बहुत मज़े का बनता है, लेकिन चिकन पालक की तो बात ही क्या है, बहुत मज़े का बनता है चिकन पालक। और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह फिर हफ्ते में तो एक बार आप ज़रूर बनाए करेंगे चिकन पालक। थोड़ी प्याज गुलाबी हो जाए तो फिर मैं इसमें चिकन ऐड करके चिकन फ्राई करूँगी इसमें और अपने मसाले ऐड करूँगी। पालक आप लोग जब भी बनाएं, पालक की कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें सबसे पहले ये है कि उसमें नमक कम डाला जाता है, क्योंकि पालक में भी नमक होता है काफ़ी। तो ये है कि पालक की आप कोई भी चीज़ बनाएं तो उसमें नमक कम डालें। और हम जब पालक बना रहे होते हैं तो वो जो चीज़ बन रही होती है गोश्त में और चिकन में या कीमे में, तो पालक में इतना पानी होता है कि वो उस पानी में ही वो चीज़ पक जाती है, हमें ऊपर से उसमें पानी नहीं ऐड करना पड़ता। बस ये प्याज और हरी मिर्चें फ्राई हो रही हैं, थोड़ी सी प्याज गुलाबी हो जाए, हरी मिर्चों की भी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये दोनों प्याज हल्की गुलाबी हो जाए तो बस मैं इसमें चिकन डालती हूँ। बहुत जल्दी बन जाता है चिकन पालक जो होता है, और जल्दी से आप बस चिकन फ्रिज से निकालें, इसको डीप करके अच्छी तरीके से साफ़ करके आप लोग रख दें और पालक काट लें, और जल्दी से बहुत कम मसालों में ये चिकन पालक तैयार हो जाता है और टेस्टी भी बहुत बनता है। आप इसको उबले हुए चावलों के साथ और रोटी के साथ, पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है ये, और लाइट भी रहता है बहुत। हमारी प्याज ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो चुकी है और हल्की हल्की पिंक होना शुरू हो चुकी है। मेरे पास यह 1/2 किलो की चिकन है, ये इसमें ऐड कर दूंगी। चिकन को मैंने धो के अच्छी तरीके से खुशक कर लिया है, छन्नी में डाल के इसका सारा पानी निकल चुका है। और चिकन मैं जब भी धोती हूँ तो उसको सिरका डाल के डीप करके रख देती हूँ, तो उससे एक जो चिकन की ख़ास स्मेल होती है ना, ठीक सी आ रही होती है, वो भी निकल जाती है और चिकन भी अच्छी तरीके से हमारी वाइट हो जाती है। अब मैं ये चिकन भूनूंगी इसमें अच्छी तरीके से, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी। चिकन का देखें हमारी कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। आप लोग अब जिस हिसाब से बनाते हैं सालन अपना, जिस हिसाब से आपके यहाँ खाना बनता है उस हिसाब से आप लोग ऐड करें। लहसुन ऐड करके मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। लहसुन भी हमारा भून चुका है, ये मैंने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा भून के कूट के रखा हुआ है। आप लोग इसमें ताज़ा ही ज़ीरा भूनें और कूट के डालें, क्योंकि इसकी खुशबू ही अलग होती है। फिर ये मैं इसमें ऐड कर दूँ, बहुत मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से और फिर मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मैं इसमें 1/2 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच मैंने हल्दी ली है इसमें, 1/2 चाय का चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया लिया है, 1/4 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूंगी क्योंकि पालक में भी नमक होता है।
ये हमारे मसाले बहुत अच्छे तरीके से इसमें भून चुके हैं। अब मैं इसमें ये मैंने तीन गड्डी जो छोटे साइज़ की गड्डियाँ होती हैं पालक की, तीन गड्डी मैंने पालक लिया है और कम से कम आधा किलो के बराबर होगा ये पालक। और तीन मैंने इसमें मीडियम साइज़ के टमाटर काट लिए थे, इसको अच्छी तरीके से मैंने पालक को धो लिया है, वॉश करके रखा हुआ है। मैंने पालक को चिकन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और ये अपने ही पानी में, अब इसका जो पालक और टमाटर का पानी होगा ना उसमें ही चिकन गलेगी और क्या कहते हैं इसको 15 मिनट लगेंगे हमारे चिकन पालक को रेडी होने में। मीडियम आंच पे मैंने इसको रख दिया है। अब ये चिकन और पालक अपने ही पानी में गलेंगे, मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं करा और 15 से 20 मिनट में हमारा चिकन पालक रेडी हो जाएगा। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको चिकन और पालक को पकते हुए और देखेंगे पालक ने टमाटर ने अपना ही पानी छोड़ा है और ये अपने ही पानी में तैयार हो रहा है चिकन पालक। कम से कम 10 मिनट और लगेंगे इसको तैयार होने में, चिकन भी हमारी अच्छी तरीके से गल जाएगी। बस अब जब ये भुनाई पे आ जाएगा तो मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी और हमारा चिकन पालक रेडी हो जाएगा। हमारा चिकन पालक का पानी अब खुश्क हो चुका है, ये भुनाई पे आ रहा है, इसका थोड़ा ऑयल ऊपर आ जाए तो फिर इसकी भुनाई करेंगे। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें पिसा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और ये डाल के मैं इसकी भुनाई करूँगी जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में तो क्या बात होगी इसकी, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा जिस तरीके से मैंने बनाया है, बहुत अच्छा बनेगा चिकन पालक। और इसमें ऑयल भी कम डालना चाहिए, ऑयल घी आप जो भी डालते हैं, क्योंकि पालक इतना ऑयल नहीं लेता तो यह ऑयल इसमें आप कम ही डालें। मैंने बस जब शुरू की थी पकाना चिकन पालक तो मैंने 2 चमचे लिए थे ये वाले ऑयल के, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल भी बुरा लगता है। सर्दियाँ आने वाली हैं, अब तो ये है कि सर्दियों में सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाई जाती हैं, पालक हुआ, शलजम चुकंदर गोश हुआ और बैंगन हुआ, तो इंशाल्लाह मैं आइंदा आपको सर्दियाँ जब आएंगी तो आपको सब्ज़ियों की रेसिपी और सब्ज़ियाँ ज़्यादा बनाऊँगी मैं, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा खाई जाती है, मूली की भुजिया हुई, तो इन सब चीज़ों की मैं आपको ज़रूर रेसिपी दूँगी, उनको सबको भी आप ट्राई कीजिएगा लाजमी। बस ये ऑयल ऊपर आ रहा है, बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत इजी तरीके से बन जाता है और खाना आप जब भी बनाएं तो शौक़ से बनाएं, मोहब्बत से, तवज्जो से, तो आपका जो ये ज़ाहिर इतनी लागत लगती है, हम लोग खाना बनाते हैं तो आप लोग प्यार से, मोहब्बत से, शौक़ से बनाएंगी तो खाना बहुत मज़ेदार बनेगा और सबको खाने में भी मज़ा आएगा और आपका दिल भी खुश होगा कि भाई सबने खाया, तारीफ़ किए, तो खाने को प्यार और मोहब्बत के साथ पकाना चाहिए। इसको मैंने टेस्ट किया है अभी, बिल्कुल ऐसा बना है ये जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबों पे मिलता है पालक गोश्त, और आप जब बनाएंगी तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत यमी बनेगा। घी वाली रोटी के साथ, परांठों के साथ बहुत मज़े का लगेगा ये। बाज़ लोग इसको उबले हुए चावलों के साथ भी खाते हैं। बस जी हमारा चिकन पालक रेडी हो चुका है, देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, अच्छी तरीके से अंडिया भुन चुकी है। और मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं इसको इतना भूनती हूँ, बहुत भूनती हूँ, जब हंडिया लगना शुरू हो जाती है ना नीचे से
तो बस समझ जाएं कि आपकी ये सब्ज़ी रेडी हो गई है जब अंडिया लगना शुरू हो जाए। शलजम पालक गोश्त पकाएं, बैंगन गोश्त पकाएं, पालक बनाएं। जब तक जब हंडिया लगना शुरू हो जाए कि भाई ये लगना शुरू हो गई है तो समझे हमारी हंडिया रेडी हो गई है और अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो जनाब ये अब हमारा पालक गोश्त रेडी है, चिकन पालक रेडी है। आप इसको गोश्त में ही बनाएं, मटन में बहुत मज़े का लगता है ये। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो और तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, मेरी रेसिपी को शेयर करें। नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अगली रेसिपी तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।